हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट जो करना है वो है नंबर लाइन की और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है आप बच्चों? विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम पहले पढ़ चुके, बट सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आप नंबर लाइन कैसे बनाते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इसके ऊपर कहाँ बीच में क्या करते थे, सेंटर में जीरो लिखते थे और राइट साइड क्या लिखते थे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 पॉजिटिव इंटीजर सब। ठीक है, और इधर क्या लिखते थे लेफ्ट साइड, 1, -1, -2, यानी आप इधर क्या लिखते थे, निगेटिव इंटीजर्स को शो करते थे। अगर आप इस तरह से शो करते थे तो आप क्या कहते थे, हमने क्या बना दिया है, नंबर लाइन बना दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप इस नंबर लाइन पे बताइएगा कि नंबर जो 2 है वो उसको रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या कहोगे कि जो 2 है वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई, 2 की हो गई। अगर हम आपसे बोले कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर पूछे आपसे कि बताइएगा 3 कहाँ है, तो आप बताओगे कि सर 3 ये है, इसको रिप्रेजेंट करोगे कि ये क्या है, हमारी नंबर लाइन पर 3 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3.5 को शो करिएगा या 3.6 को शो करिएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आपसे पूछूं 3.6 कहाँ होगा, तो आप क्या कहोगे, सर 3.6 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। यानी जो 3.6 जो होगा वो कहाँ होगा, वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, कहीं लाई कर रहा होगा। तो इसी तरह आपका पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको 3.765 को शो करना है एक नंबर लाइन पर। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हमें एक नंबर लेना है, फिर 2 नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं, जितने भी आपको दिए गए होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन क्या था आपसे, 3.7। आप मुझे बताओगे सबसे पहले हमको क्या नंबर चेक करना है, 3.7। किसको चेक करना है, 3.7 को चेक करना है। यानी सॉल्यूशन किसका हो गया बच्चे, सॉल्यूशन जो होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्या है, यानी ये 3.7 जो है, सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करना है आपको, 3.7 को रिप्रेजेंट करना है। तो 3.7 उसके अकॉर्डिंग किस नंबर के बीच में आ रहा होगा, कहाँ लाई कर रहा होगा, 3 और 4 के बीच में। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 है और ये पॉइंट जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, 4। क्यों, हमें पता है कि जो 3.7 है 3 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स करने हैं, तो मैं 10 इक्वल डिविजन्स कर लेता हूं बच्चों 3 और 4 के बीच में। तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नंबर कैसे होगा बच्चे, आपको पता है ये क्या है, 3 है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3.0। ये क्या हो जाएगा, 4.0। तो ये बीच के नंबर्स को, लाइंस जो आपने बनाई हैं, पार्ट की है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? तो ये वाला नंबर हो जाएगा 3.1, सेकेंड वाला हो जाएगा 3.2, नेक्स्ट वाला 3.3, नेक्स्ट वाला 3.4, 3.5। इसी तरह आप क्या करोगे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे, 3.7, 3.8, 3.9। यानी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया आप लोगों ने इसको, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चों? तो आपसे मैं बोलूं कि बच्चे रिप्रेजेंट करो, किसको रिप्रेजेंट करना है, 3.7 को रिप्रेजेंट करना है। तो 3.7 कहाँ होगा, तो आंसर है 3.7 कहाँ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.7 को। ठीक है, अब आपको दूसरा नंबर जो चेक करना है, 3.7 हो गया, इसके बाद कौन सा है, 6 है। तो आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो करना है 3.76। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वाला नंबर भी कंसीडर करना है।
अब आपसे ये पूछा जाए कि 3.76 कहाँ आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कहाँ आएगा बच्चों, तो आपका आंसर होगा 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं 3.76 लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से बनाना है। फिर ये वाला पॉइंट किसका हो जाएगा, 3.7 किसके बीच में लाई कर रहा है, 3.7 और 3.8 के बीच में ये कहीं लाई कर रहा है। अब फिर दोबारा क्या करना है, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर लीजिएगा, अभी जैसे किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वाला नंबर क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.70 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3.80। जिस तरह से आपने 3.0 लिखा था, इसी तरह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 3.70 लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, 3.80 लिख सकते हो। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 3.71, नेक्स्ट वाला 3.72, नेक्स्ट वाला 3.73, नेक्स्ट वाला 3.74, नेक्स्ट वाला 3.75, ये 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला 3.76, अगले वाला 3.77, नेक्स्ट 3.88, ये हो जाएगा 3.78, इस तरह से आपका जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है, 3.76 को रिप्रेजेंट करना है। 3.76 को रिप्रेजेंट करोगे तो ये कहाँ आ रहा है, तो आंसर है ये है। तो बच्चे क्या आपका आंसर होगा, ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो आंसर है नो। आप मेन नंबर्स को, कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये कर रहा है 3.76 को, यानी ये जो आपने ग्राफ बनाया है, यानी मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि अगर ये, यानी ये जो पार्ट बनाई किसका है, यानी ये पार्ट जो है इसका है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी इसको क्या किया, जूम करके देख रहे हो, यानी इस पार्ट को क्या किया आपने, जूम करके देख रहे हो, यानी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। क्लियर है? ओके, 3.76 हो गया। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 3.765, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप मुझे बताइएगा, ये जो 65 होगा ये किसके किसके बीच में नंबर आएगा, जो अगर ये नंबर जो है नेक्स्ट वाला 3.77 था, तो यानी 3.76 और 3.77 के बीच वाला नंबर, बीच में कहीं ये लाई कर रहा होगा, कौन सा नंबर, 3.765। तो यहाँ पर भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, यानी यहाँ से करना क्या आपको, ये वाला नंबर यहाँ पर 3.76 और ये वाला नंबर यहाँ पर 3.77, यानी ये वाला नंबर कहीं इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जीरो लगाई थी आपने, यहाँ पर भी जीरो लगाओगे और यहाँ पर भी जीरो लगाओगे, 3.76, 3.770, ठीक है। करना क्या है, फिर दोबारा से वही काम करना है, इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर 3.761, बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा बीच वाला, ये हो जाएगा 3.762, 3.763, ये हो जाएगा 3.764, ये वाला नंबर क्या होगा बच्चों, 3.765, यानी ये नंबर हो गया 3.765, और ये वाला नंबर इसी तरह 3.769 और वो हो जाएगा 70। यानी और आपसे क्वेश्चन पूछता है किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर पहले तो आप ये देख लो, इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब रिप्रेजेंट किसको करना है, 3.765 को, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पर, कहाँ पर, ये नंबर कौन सा है, 3.765, ये नंबर आपने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। ये आपका सॉल्यूशन था कौन से ग्राफ का, आपका कौन से उसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
इसी तरह बिल्कुल सेम बच्चे सेकंड क्वेश्चन भी होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसका सॉल्यूशन चेक करना है आपको। सॉल्यूशन है विजुअलाइज 4.26 बार, यानी 4.26 बार करना है ऑन द नंबर लाइन। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कौन से नंबर तक, कितने नंबर तक, यानी 4 डिजिट तक, पॉइंट के बाद कहाँ तक, 4 नंबर्स तक। यानी बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कितने नंबर रिपीट हो रहे, दो नंबर, कौन से, 26, 26, 26, 26, इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा 4.2626 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन आपको कहाँ तक बताना है, पॉइंट के चार नंबर तक, पॉइंट के बाद चार नंबर्स तक, ठीक है। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको। चलो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे 4.2 को, 4.2 को। तो बच्चों 4.2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले 4 और 2 किस किस के बीच में आया होगा, पहले तो ये डिसाइड करना है 4.2 किस किस के बीच में आया होगा। 4 और 5 के बीच में आया होगा, 4 और 5 के बीच में। तो यानी एक क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे, ये हो जाएगा आपका क्या, 4, ये वाला एंड हो जाएगा आपका किसका, 5 का। क्यों, क्योंकि 4.2 4 और 5 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। सेंटर पॉइंट क्या हो गया आपका, देखो इस 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये क्या हो जाएगा 4.0, ये वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 5.0, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 10 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यहाँ पर लिखिएगा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 4.1, नेक्स्ट कौन सा होगा 4.2, नेक्स्ट कौन सा होगा 4.3, इसके बाद 4.4, ये हो जाएगा 4.5, 4.6, 4.7, क्या सभी नंबर लिखने ज़रूरी हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो 4.2 को रिप्रेजेंट करना है, कहाँ है 4.2, तो आंसर है ये वाला, क्या है आपका, ये 4.2 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4.2 के बाद 6, यानी ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद चेक करना आपको 4.26 को रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो 4.26 कहाँ आया होगा, यानी 4.2 और 4.3 के बीच में ये नंबर कहीं लाई कर रहा होगा 4.26, तो यानी किस किस के नंबर, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 4.2 और 4.3 इसके बीच में लाई कर रहा है। 4.2 इसको क्या लगा सकते हैं, 0, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसके आगे 0 लिख सकते हैं, जैसे इसके आगे लिखी थी 4.0 और 5.0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्या हो जाएगा 4.20 के बाद वाला नंबर होगा 4.21, इसके बाद ये 4.22, ये हो जाएगा 4.33, 4.44, ये हो जाएगा 4.25, और ये वाला नंबर हो जाएगा 4.26, ये हो जाएगा 4.27, ये हो जाएगा 4.28, 4.29, इस तरह से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा 4.23 और ये 4.24, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप एक बात बताइएगा, आपको चेक करना है 4.26 नंबर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका कहाँ शो करोगे आप, यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.26 को, ठीक है। कहाँ से, ये देखो ये किस किस के बीच में था, इसके बीच में, और मैग्नीफिकेशन दिखा दोगे इसके बीच में, यानी ये जूम करके आप दिखा सकते हो कि इसका जूम पार्ट कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद क्या करना है, 4.2 हो गया, 26 हो गया, 6 के बाद क्या होगा, 2 दोबारा से देखना है, यानी 4.262, फिर दोबारा चेक करोगे कि कौन सा नंबर आपका ये कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कहाँ आ रहा होगा, यानी 4.262, ध्यान से समझिएगा 4.26, ये रहा 2, कहाँ किसके बीच में, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में नंबर होगा। तो यानी आप लिख सकते हो ये वाला नंबर, ये हो जाएगा 4.26,
और ये वाला नंबर क्या लिखोगे 4.27, इन दोनों के बीच के नंबर होंगे, कहीं ना कहीं यही लाई कर रहा होगा इनके बीच में। तो करिएगा, क्या करोगे, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये क्या है, इसको इसके आगे क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, और इसके आगे भी जीरो लगा दो। 4.260 के बाद वाला नंबर क्या होगा, 4.261, और ये वाला नंबर हो जाएगा 4.262, 4.263, 4.264, ये हो जाएगा 4.265, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा 4.269, इट बिकम 4.269। आपको इसमें चेक करना है कि 4.262 कहाँ है, तो आंसर है कहाँ है बच्चे, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन है, 4.262, ठीक है। यहाँ से है तो इसको यहाँ मिलाओ और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा, यानी इसका ये जूमिंग पार्ट दिखा दिया गया है। लास्ट फिर दोबारा क्या है, 6 है, यानी 4.2626, यानी चार नंबर तक, पॉइंट के बाद चार नंबर तक आपको देखना था, तो ये आ गया। ये किसके बीच में होगा बच्चों, यानी ये किसके बीच में होगा, 262, ये रहा, और नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होता है, 4.262, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, 4.262, और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4.263, इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं ये नंबर लाई कर रहा होगा, तो चेक करिएगा। तो कैसे करोगे, ये आपको फिर नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पर कौन से वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, ये 4.262, और यहाँ पर कौन सा, 4.263। आपको पता है इसके आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं, और इसके आगे भी हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, तो लगाइएगा। इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कर दिया। देखिएगा ये नंबर चेक करना है आपको, ये हो जाएगा 4.262, जीरो है, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 1 होगा, यानी 4.2621, फिर 2, 3, 4, 5, इसी तरह 4 वाला लिख सकते हैं, 4.2624 होगा, 5, 6, ये हो जाएगा 4.2626, ये क्या हो जाएगा, 8 वाला नंबर 4.2628, ठीक है, ये 9, और ये क्या हो जाएगा, 30। तो अब आपको कौन सा नंबर चेक करना है, 4.2626 कहाँ लाई कर रहा है, तो 4.2626 कहाँ लाई कर रहा है, तो आंसर है यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ इस नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसको यहाँ पर मिलाओगे, इसको आप यहाँ पर मिलाओगे, और ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.2626 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, एक मेथड है, तो इसको देखिएगा इस एक्सरसाइज की, जितने भी एग्जांपल भी दिए उनको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।